खबर जयपुर से है, जहां महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी में हंगामा। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने हंगामा किया। कैंपस में ही छात्रों ने तोड़फोड़ की। छात्रों ने बस को आग के हवाले किया। कैंपस में पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा था। भाकौटा थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। बता दें कि कैंपस में दमकल की गाड़ियां पहुंची। यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर विवाद चल रहा था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं वन संवाददाता लोकेश ओला से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बताएं, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, साथ ही जो संदिग्ध छात्र हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की बात सामने आ रही है। जी सब जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। यह पूरा मामला महर्षि अरविंद में एग्रीकल्चर के से जुड़े हुए छात्रों से है। जी, छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास में एग्रीकल्चर की डिग्री की मान्यता नहीं है, फिर भी छात्रों को प्रवेश दिया गया और इसी को लेकर गुस्साए छात्रों ने बस को आग के हवाला किया। वहीं यूनिवर्सिटी परिसर में तोड़फोड़ की। मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, जिन्हें आग बुझाई और साथ में छात्रों को शांत करने, समझाइश करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात की। दरअसल ये मामला एग्रीकल्चर छात्रों से जुड़ा हुआ है। छात्रों का आरोप है कि एग्रीकल्चर में बीएससी में प्रवेश दे दिया गया, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास आईसीआर और केंद्र सरकार से मान्यता नहीं है और उसी के चलते उनकी डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी। और उसी के चलते इन छात्रों गुस्साए छात्रों ने तोड़फोड़ की। छात्र लगातार इसको लेकर इनकी प्रशासन से मांग कर रहे थे कि हमारी डिग्री की मान्यता कहीं नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी प्रशासन आईसीआर से और केंद्र सरकार से डिग्री को लेकर मान्यता लाए। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जेट के जरिए छात्रों को परिवेश तो दे दिया गया, लेकिन आईसीआर से मान्यता नहीं होने के चलते छात्रों की डिग्री किसी काम की नहीं रही। जी, क्या कुछ इस पूरे मामले पर जो संदिग्ध छात्र हैं उनकी पहचान हो पाई है? जी बिल्कुल, मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामला दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस अब फिलहाल मामले की जांच कर रही है। संदिग्ध छात्रों को की जांच के लिए कि इन तोड़फोड़ में किसका हाथ है। लेकिन जिस तरह से विश्वविद्यालय परिसर में कई दिनों से पहले से ही छात्र ज्ञापन दे रहे थे यूनिवर्सिटी प्रशासन को, लेकिन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लेने के चलते गुस्साए छात्रों ने आज ये कदम उठाया। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ और भाकरौटा थाना पुलिस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है।